हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर स्टडी पॉइंट। क्वांट के सेशन में आपका आज फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग बेहतरीन 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वांट टेस्ट सीरीज का हमारा ये चौथा सेशन है। चलते हैं हम लोग को सवालों की ओर बिना देरी किए। जो लोग मेरे बारे में या डी आर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलो तो बिना देरी किए हम लोग सवालों को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक क्या बोल रखा है? सवाल में पहला देखो क्या दे रखा है। ए मिक्सचर कंटेन ए लीटर ऑफ वाटर एंड 20 लीटर ऑफ मिल्क। ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या दिए हुए है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग वाटर मिल्क से करेगा, आगे जाके मिल्क एंड वाटर कर देगा, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना। तो जो बोला वो मैंने हम लोगों ने यहाँ नोट कर लिया। मिल्क है 20 लीटर, वाटर है हमारा ए लीटर, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई सेम क्वान्टिटी ऑफ वाटर। कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाला जाता है और उसे वापस वाटर से मिला दिया जाता है। एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7। मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन जाता है वो रेशियो क्या बन जाता है? 8:7 बन जाता है। वाट परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, कितना परसेंट मिक्सचर रिप्लेस करा गया इफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 14 लीटर। वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी बन जाती है? 14। यानी 7 का मान तो तुम्हें दे रखा है 14, यानी एक यूनिट की मान क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसी तरीके से 8 यूनिट की मान क्या हो जाएगी? 8 यूनिट की मान हो जाएगी 16 लीटर, ठीक है। यानी कि सारा प्रक्रिया करने के बाद मिल्क जो है वो हो गया हमारा 16 लीटर। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास कोई रेशियो में यहाँ पे है और मैं इसमें से बोलूं कि 20% मिक्सचर को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, या 20% मिक्सचर निकाल देते हैं, तो 20% जो निकलेगा वो वाटर से भी 20% निकलेगा और मिल्क का भी 20% निकलेगा, ठीक है। या तुम कंबाइन रूप से बोलो कि पूरे पूरे कंटेनर का 20%। जैसे मान लो, सपोज दैट ये एक कंटेनर है जिसमें 20 प्लस में ए लीटर क्वांटिटी है मिल्क और वाटर मिला के। अब इसका 20% निकालेंगे तो 20% निकालने का मतलब क्या है? 20 का भी 20% निकलेगा और ए का भी 20% निकलेगा, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली दोनों का निकलेगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 लीटर मिल्क था स्टार्टिंग में और हो जा रहा है 16 लीटर। यानी मिल्क जो निकला होगा वो कितना निकला होगा? 4 लीटर निकला होगा। तो 4 लीटर जो निकला होगा, तुमसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, कितना परसेंटेज मिक्सचर रिप्लेस हो गया। तो 4 लीटर मिल्क निकला तो उतना ही ना वहां पे रिप्लेस भी करेंगे, यानी कि परसेंटेज अब तुम्हें बताना है। तो यहां पे तुम्हारा देखो, स्टार्टिंग में था तुम्हारे पास 20, ठीक है, इसका तुमने कितना परसेंट रिप्लेस किया? तो इसका तुमने कितना परसेंट रिप्लेस किया? 4 लीटर ही रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कमी कितने का हो रहा है? 4 का हो रहा है। खत्म हो गया सवाल, 20 से काट दो इसे 5 बार में, एक्स का मान निकल जाएगा 5×4=20, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। कितना आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। अब इसी को अगर फंडामेंटल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, बहुत ही ज़्यादा इक्वेशन और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने वाला है, ठीक है। तो सवालों को कैसा करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, और चीज़ों को समझो और उसे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट में देखो क्या है। 18% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ TOI न्यूज़पेपर रीडर्स रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। 18% टोटल TOI के, ठीक है, तो 18% किसके? TOI के क्या रीड करते हैं? हिंदू रीड करते हैं। विच इज इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि किसके बराबर है? 8% है हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले के, 8% के बराबर है, ठीक है। तो यहां से देखो, हिंदू पढ़ने वाले टोटल H हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले टोटल TOI हो गए, ठीक है। तो यहां से तुम TOI बटे में H का रेशियो निकाल सकते हो। 2 से काट दो इसे 9, 2 से काट दो इसे 4, ठीक है। 4/9 क्या दे देगा? 9 दे देगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द हिंदू न्यूज़पेपर रीडर, सॉरी, इफ 7560 पीपल रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, जो 7560 लोग हैं वो क्या रीड करते हैं? हिंदू न्यूज़पेपर रीड करते हैं। यानी 9 यूनिट का मान तो दे दिया, 75 कितना? 60। एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 9 से काटोगे जब इसे में, तो 872 और 3 यानी सॉरी 4 यानी कि 36, 800 क्या हो गया? 40 हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल रीड TOI न्यूज़पेपर, TOI कितने लोग रीड करते हैं? यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 × 4, जो कि तुम्हें क्या देगा? 840 × 4 40, और यहाँ पे 6 8 4 32 और 3 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 3360, क्लियर है बात। आसान सवाल था ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या है। ए बैग कंटेन 30 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। एक बैग में 1 से लेकर 30 तक नंबर किया हुआ 30 बॉल है।
टू बॉल्स आर सेलेक्टेड वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, दो बॉल सेलेक्ट किया जाता है एक एक करके विथ रिप्लेसमेंट, मतलब निकालने के बाद फिर वापस क्या करता है, डाल देता है, मतलब टोटल क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द फर्स्ट बॉल इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर का चर्चा कर दिया, तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर देखना होगा कौन कौन सा है। ध्यान रखो प्राइम नंबर निकालने का कोई रूल नहीं है, इसे या तो तुम उंगलियों पे गिनो या लिख के रखो, ठीक है। तो एक से तीन तक में कौन कौन से प्राइम है, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी नाइन। टोटल देखो तीन, तीन छः, तीन नौ और एक दस, टोटल कितने हो गए हमारे, दस हो गए, ठीक है। मतलब एक से तीस तक में हमारे कितने प्राइम नंबर हैं, दस प्राइम नंबर हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड सेकेंड बॉल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्क्वायर का भी चर्चा किया है, तो स्क्वायर का देखो तो क्या है, हम लोग का एक से लेकर जब तुम स्क्वायरिंग में देखोगे तो कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक, चार, नौ, सोलह और पच्चीस, टोटल कितना हो गया, तीन, दो, पाँच, ठीक है। यानी कि ये तुम्हें जो चुनना है वो दस में से और पाँच में से चुनना है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट का कंडीशन है, यानी कि एक एक करके तुम्हें निकालना है, रिप्लेसमेंट वहाँ पे बोल दिया है। देखो रिप्लेसमेंट वगैरह का जब भी कंडीशन आता है तो वो एक एक करके ही वहाँ पे जनरली तुम्हें निकालने के लिए देगा। जब तुम्हें वहाँ एक एक करके बोल, एक्चुअली मैं यहाँ पे सवाल में बोल भी रखा है हमारा वन बाई वन, यानी कि एक एक करके ही निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो पहला बॉल जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइम नंबर, तो पहला बॉल प्राइम नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 आउट ऑफ टोटल, यानी कि कितना, 30, ठीक है। दूसरा बॉल जब निकालेंगे तो दूसरा बॉल क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पाँच में से ही कोई एक चुनना है, 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 से काट दो 6 बार में, 10 से काट दो 3 बार में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई, 1 अपॉन में 18, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अपॉन में क्या, 18, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रखा है, नेक्स्ट देखो कितना अच्छा सवाल है। इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द मैथ्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स वेयर इन द रेशियो 4:7:9, मैथ का फिजिक्स के साथ और केमिस्ट्री के साथ जो रेशियो है 4:7:9 क्या है, 9 है, ठीक है। इफ 64 केमिस्ट्री बुक्स वेयर विदड्रॉन, ठीक है, केमिस्ट्री बुक्स जो है वो 64 क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, एंड 32 मैथ्स बुक्स वेयर एडेड, 32 मैथ्स बुक्स को ऐड कर देता है बाय लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के द्वारा, देन द रेशियो ऑफ मैथ टू केमिस्ट्री, मैथ का केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, मतलब मैथ और केमिस्ट्री में बात कर रहा है, मैथ का केमिस्ट्री के साथ जो रेशियो बन जाता है वो रेशियो हो जाता है 5:7। तो स्टार्टिंग में मैथ का केमिस्ट्री के साथ क्या रेशियो था, पहले ये देख लो, तो 4:9, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 9 से ये जो घट रहा है ये 2 यूनिट घट रहा है, और ये यहाँ से बढ़ रहा है जो 1 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तुम 1 यूनिट को 32 के बराबर बोल रहे हो तो 2 यूनिट का मान क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए, और एग्जैक्टली देखो वही फॉलो भी कर रहा है। अगर प्लस में 1 यूनिट 32 के बराबर है तो माइनस में 2 यूनिट किसके बराबर होगा, -64 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी तुम्हारा जो रेशियो है ये अगर 1:2 है तो यहाँ पे भी तुम्हारा 32 और 64 का रेशियो क्या देगा, 1:2 देगा। तो क्लियर हो गया यहाँ से कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो गई 32, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 32 हो गई तो तुमसे पूछा है फिजिक्स बुक्स कितने थे, फिजिक्स बुक्स कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 32:7, यानी 32:7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 224, और इसी के साथ ऑप्शन तुम्हारा ई है। तो यहाँ पे ना ये सवाल पूरी तरीके से सेट करके तुम्हें दिए हुए है कि ये यहाँ पे घट रहा है, यहाँ 2, यहाँ घट रहा है 1, अगर ये इस तरीके से सेट है तो ठीक है, अगर सेट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में भी घबराना नहीं है, तुरंत में फिर मैथ वाले को मान लो 4x, वहाँ से 32 का उसमें इंक्रीमेंट कर दो, इसको मान लो 9x, इसमें 64 का डिक्रीमेंट कर दो, और इस तरीके से रेशियो कर दो 5:7, यहाँ से x का मान निकाल लो, x सॉल्व करोगे तो यहाँ से 32 देगा, x जब 32 निकल जाएगा तो ये 7x है हमारा, 7x का वैल्यू निकाल दो, 7 × में क्या 32। तो अगर ये पार्ट तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट अगर ये सवाल में उस तरीके से बना के नहीं दिया हुआ है तो तुम यहाँ जाके उसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, रोली डिपॉजिटेड 25,000 इन SBI बैंक, रोली जो है 25,000 रुपये SBI बैंक में निवेश करती है। अब चूंकि SBI का सीजन है तो SBI बैंक ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अभी नेक्स्ट अपकमिंग में सबसे पहला एग्जाम SBI है, ठीक है। तो रोली डिपॉजिटेड 25,000 इन SBI बैंक
फॉर टू ईयर्स, दो साल के लिए, विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है. ड्यू टू सम इमरजेंसी सी विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में 20,000 निकाल लेती है. तो फर्स्ट ईयर तक में वो अमाउंट कितना बना होगा, तो एक ही साल का बात कर रहा है, 10% यानी कि बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 110/100. 0,0 कट गया यहाँ से, सॉल्व करो यहाँ से, 0,0000 तो आएगा ही, 11 से मल्टीप्लाई करना है, 5 का 5 रहने दो, 5,2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 का 2 रहने दो, 275 यानी कि 27500. अब इसमें से क्या किए, वो 20,000 रुपये निकाल ली, तो 20,000 निकाल गई तो वो बचा उसके पास अकाउंट में कितना, 7500. अब आगे जो जाएगा एक साल के बाद, आगे जो जाएगा वो क्या जाएगा, 7500 जाएगा. अब देखो सवाल में क्या पूछ रखा है, हाउ मच अमाउंट सी विल गेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के अंत में उसे कितना अमाउंट मिलेगा तुम्हें ये बताना है. तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो शुरुआत होगा प्रिंसिपल, वो शुरुआत किससे होगा, 7500 से. अब यही एक साल तक चलेगा, 10% के बाद अमाउंट क्या हो गया तुम्हें बताना है, 0,0000 खत्म हो गया. 10 तो यहाँ पे सीधा सीधी बैठ जाएगा, 5 का 5 उतार दो, 7 5 कितना होता है, 12, एक हाथ में 7 और 1 कितना, 8 हो गया खत्म. 8250 रुपीज इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं. नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, छठा नंबर सवाल देखो क्या है, द नंबर ऑफ पेंस बाउट बाई रिचा इज 1 मोर देन द प्राइस. ठीक है, इन रुपीज ऑफ ईच पेन. ठीक है, जो नंबर ऑफ पेन है रिचा खरीदी थी वो क्या है, प्राइस से 1 ज्यादा है. ठीक है, तो अगर हर एक पेन का प्राइस ऑफ 1 पेन अगर हम लोग बोल दें कि एक्स था, तो एक्स रुपीज था, तो उसने टोटल पेन कितना खरीदा होगा, टोटल पेन उसने खरीदा होगा एक्स प्लस में 1. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ रुपीज 380 विच रिचा हैड. ठीक है, जो रिचा के पास था वो था 380 रुपया, फेल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट. जो उसे खरीदना था उसमें क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब जितना पेन उसे खरीदना था उसमें 380 रुपये क्या हो गए, घट गए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते 380 रुपये में उसे कितना वो खरीद सकता था. ठीक है, फिर आगे देखो, आगे पूछ के रखा, ये भी ध्यान में रख लो, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट बाई विच ही माइट हैव फॉलन शॉर्ट. ठीक है, कम से कम कौन सा अमाउंट होगा जिससे वो छोड़ दिया होगा या फिर कमी पड़ गई होगी उसे पैसे में. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या है कि उसके पास 380 रुपये ही था, सीधा सीधे वहाँ पे समझो उसके पास कितने रुपए थे, वहाँ पे तुम्हारे पास रिचा के पास 380 रुपये थे. ठीक है, जो कि जितना अमाउंट वो खरीदना चाहता था वो कम पड़ गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि एक्चुअली में अगर वो इतना एक्स रुपीज पर पेन था और टोटल एक्स प्लस 1 खरीदता तो 380 रुपये में कितने पेन आते हैं. ठीक है, तो यहाँ बराबर कर दिया हम लोगों ने 380 के. अब यहाँ से देखो तुम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये तुम्हारा 19 हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा. मतलब कि x प्लस 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, 20 को इंडिकेट कर रहा है. यानी कि अगर तुमने 20 पेन खरीदा होता तो तुम्हें क्या हो जाता कि पूरा पूरी 380 रुपये लग जाता. लेकिन तुमने वहाँ पे क्या बोला सवाल में कि तुम जितना खरीदना चाहते थे उतना खरीद नहीं पाए और मिनिमम तुम्हें बताना है. तो मिनिमम बताने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक ज़्यादा ले लो इससे. एक ज़्यादा जब लोगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा क्या 20. 21 × 20 जब करोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा, यहाँ पे 420 दे देगा. यानी कि तुम मिनिमम अगर बात करो तो मिनिमम तुम 420 का सामान खरीदना चाहते थे लेकिन तुम्हारे पास 380 रुपये था. तो तुम्हें कितना रुपये का शॉर्टेज हुआ, तुम्हें शॉर्टेज हुआ यहाँ से यहाँ 40 रुपये का. तो यही हमारा आंसर, यही पूछा था कि हाउ मच बाई विच ही माइट हैव फॉलन शॉर्ट, कितना रुपया से उसे शॉर्ट हुआ होगा. तो उसे शॉर्ट हुआ था 40 रुपये से और यही हमारा आंसर है, सी नंबर. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं. नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो क्या है, देर आर टू वेसल ए एंड बी कंटेनिंग मिल्क सॉल्यूशन ऑफ 40% कंसेंट्रेशन, बोथ कंटेनिंग, यहाँ ध्यान दो, बोथ में मिल्क जो है 40% कंसेंट्रेशन है. ठीक है, तो ए और बी दो वेसल है हमारे पास, इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, इसमें ये 40% है और इसमें भी ये 40% है, तो वाटर कितना हो जाएगा 60% और 60%. अब ध्यान दो सवाल में, अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं इसे तुम्हें बताता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैसे सॉल्व करना है. तुम्हें सवाल में कहीं पे भी अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया है ए और बी की क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, हालांकि जिन लोगों ने सवाल पढ़ लिया उन्हें पता है कि ये लास्ट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. ठीक है, तो तुम्हें जो जैसे जैसे बोले सवाल वैसे वैसे लास्ट तक करते चले जाओ. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये मिल्क 40% है, यहाँ पे भी ये भी 40% है, तो इसकी क्वांटिटी ए और बी की सेम होगी. ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो क्या है,
प्रियंका एडेड सम प्योर मिल्क टू ए टू ब्रिंग द कंसंट्रेशन टू क्या 50%, 50% कंसंट्रेशन पे लाना चाहती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मिल्क ऐड किया तो 40% है, तो मैंने बोला मिल्क जो ऐड कर रहा हूँ वो मैं एक्स परसेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स परसेंट ऐड किया। तो टोटल हमारा वाटर कितना है, वाटर हमारा 60%, इसको 60% ही रहने दो। और इस तरीके से मिल्क का कंसंट्रेशन जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 50, तो वाटर भी कितना हो जाएगा 50, यानी रेशियो क्या हो गया, 1:1 में कितना 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 40 में 60 चला जाएगा, यानी कि 20%, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तुमने 20% मिल्क ऐड किया। अब यहाँ पे ध्यान दो तुम, आगे क्या रख रहा है यहाँ पे, कि अब यहाँ से तुम एक चीज नोट करो, या तो तुम इसे 20% के रूप में बोलो या फिर तुम इसे टोटल क्वांटिटी कुछ एज्यूम कर लो उसके अकॉर्डिंग बोल दो, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्या है हमारा, इन वेसल बी, अब कार्यक्रम कर रहा है वेसल बी पे, ठीक है। वेसल बी में क्या बोला, प्रियंका टुक आउट सम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड रिप्लेस्ड विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्या, प्योर मिल्क, इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क से रिप्लेस कर देती है। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 - x / c^n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा सवाल में, ध्यान से देखो कि रिप्लेस विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, अगर ये x में हमारा मिल्क जा रहा है तो इनिशियल क्वांटिटी किसका लिखाता है हमारा, वाटर का, फाइनल क्वांटिटी किसका लिखाता है हमारा, वाटर का, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी किसका लिखाता है, वाटर का लिखाता है, ठीक है। तो अब देखो फाइनल क्वांटिटी वाटर क्या क्या बोल रहा है सवाल में, आगे क्या बोल रहा है, विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क टू ब्रिंग द कंसंट्रेशन टू 50%, 50% कंसंट्रेशन, मतलब वाटर भी क्या हो जाएगा 50%। तो फाइनल क्वांटिटी वाटर का हो जाएगा 50, इनिशियल क्वांटिटी था 60, और 1 - में, ठीक है, 1 - में एक्स का एक्स रख दो, टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी, टोटल कैपेसिटी हमारी है 100, ठीक है। और चूंकि एक ही बार किया है तो एन का मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 50 यहाँ इसको 0-0 काट दो, 5 - 6 1 है, यहाँ 1 माइनस कर दो, बराबर में -x / में क्या 100। अब -, कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 - 6 100 को ऊपर भेज दो, बराबर में एक्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे वाटर तुमने जो ऐड किया था, एक्स एक्स ही हम लोगों ने दोनों चीज़ ले लिया है, तो यहाँ पे क्या करो, इसे चेंज कर दो, इसे कर दो ए, ठीक है। अब आगे देखो अगला लाइन तुम्हें क्या बोल रखा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड इन ए एंड बी, मिल्क जो ऐड किया ए और बी में, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, तुम्हें रेशियो क्या निकालना है मिल्क एडेड का, तो मिल्क एडेड यहाँ पे है 20%, यहाँ पे है 1/6 / 100%, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इनिशियल सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी का रेशियो है वो है 1:2, ठीक है। तो 1:2 में जब तुम्हारा दिए हुए है, तो 1:2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1 है तो यहाँ पे इसको 1 ही रहने दो, 2 है तो इसे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 20% का 20% ही रहने दो, और यहाँ पे 1/6 × 100 है, इसे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, 3:5, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में ना उतना तुम्हें सवाल को ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बोले लास्ट में करते जाओ, जो लास्ट में बोला उसको लास्ट में ले जाके इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। इफेक्ट कहाँ आएगा, ये 1:2 है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितना जगह हम लोग सॉल्व किया ये 100 की जगह 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में ले जाके मल्टीप्लाई करना है, कि एक बार सवाल पढ़ना है, फिर से दोबारा सवाल बनाना है पढ़ के, ठीक है। तो दोबारा मेहनत करना है तो तुम कर सकते हो, अगर सवाल को डायरेक्टली एक बार में पढ़ के बनाना है तो सबसे बेस्ट तो यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या है, मिस्टर मेहता सोल्ड अ पेयर ऑफ पेन एंड नोटबुक, ठीक है। मिस्टर मेहता जो है एक पेयर ऑफ पेन और नोटबुक को बेचता है था प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। तो पेन और नोटबुक, तो 25% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है, 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4, ठीक है। अब तुम यहां से ध्यान दो, सीपी और एसपी, ठीक है। अगर 4 हमारा सीपी है तो 1 का प्रॉफिट लेके एसपी क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4:5, ठीक है। जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे करते जाओ, देखो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। बहुत मेहनत तुम लोग किए होगे, अगर बनाए होगे सीट को इस सवाल में, तो देखो कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन पेन वाज 20%,
पेन पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, यानी रेशियो क्या आ गया 5:6। फिर आगे देखो क्या बोल रखा है सवाल में, हैड ही रिड्यूस्ड बोथ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन बाई 200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी पेन का घटा देता है, सेलिंग प्राइस भी घटा देता है, कितना से घटाता है 200 से घटाता है। हिज प्रॉफिट ऑन द पेयर वुड हैव राइजन बाई 30%। पेयर पे जो प्रॉफिट होगा, देखो पेयर कौन सा है हमारा, ये वाला पेयर है, इस पेयर पे जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा 30%, यानी कि नया वाला जो प्रॉफिट होगा इस पे वो क्या हो जाएगा 30% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 10/ अगर लिख दोगे तुम 30% का फ्रैक्शन, तो ये तुम्हें देगा 3/ कितना 10। ठीक है, यानी 10 अगर सीपी होगा तो एसपी क्या हो जाएगा तुम्हारा 13 हो जाएगा। अब तुम ध्यान दो, तुम्हें जो कमी करना है वो कमी करना है पेन में, तुम अगर पेन में कमी करोगे तो टोटल में भी तो कमी होगा ना, ठीक है, 4 में भी कमी होगा। अगर तुम यहाँ से स्प्लिट भी कर रहे हो इसको, अगर किसी तरीके से स्प्लिट करके निकाल रहे हो, तो तुम्हें जो कमी होगा वो तो पेन में अगर तुम 200 कमी करोगे तो ये पूरा में भी 200 का कमी होगा, और इधर भी सेलिंग प्राइस में 200 का कमी होगा। तो 4:5 क्या है तुम्हारा 5 है, यहाँ से 10:5 क्या है तुम्हारा 13 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, 3 का जब डिफरेंस है तो इसे भी 3 से गुना कर दो, इसे भी 3 से गुना कर दो। ठीक है, 4 × 3 = 12, 5 × 3 कितना 15, यहाँ से तुम देखो 15 से 3 का कमी हुआ, इधर भी 2 और इधर भी 2 का कमी हो गया। ठीक है, यानी ये 2 जो है किसके बराबर है तुम्हारा, कितने का कमी कर रहा था तुम लोगों ने सीपी और एसपी में, 200 का कमी कर रहा था, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 1200, यानी कि सीपी जो निकल जाएगा पेयर का वो कितना निकल जाएगा तुम्हारा 1200। अब बस इतना ही रहने दो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, अर्लियर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द नोटबुक वाज ₹80 लेस देन हाफ ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पेन। कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है, अभी सब चीज का कोई मतलब नहीं है, देखो कितना आसानी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये लाइन का कहीं कोई यूज नहीं है, इस डाटा का कहीं कोई यूज नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसका और इसका लेके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द पेयर ऑफ पेन एंड नोटबुक, नोटबुक और पेन के पेयर पे वो क्या प्राइस मार्क करे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%, 50% का उसे प्रॉफिट हो। तो 50% का प्रॉफिट हो मतलब क्या, 1200 का 50% उसको प्रॉफिट के रूप में चाहिए, तो मार्क करेगा क्या 50% अधिक, यानी कि जो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1200 का 50% अधिक, यानी कि कितना 150/100, 0 खत्म हो गया, 15 × 12 कितना होता है 180, और यहाँ से एक और 0 यानी कि 1800 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब ये तुम डिसाइड करो कि इस सवाल को बनाने का तुम्हारा बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल को तुम इससे ज़्यादा आसानी से तो बना नहीं सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसमें जितना भी डाटा दिया हुआ है वो सब डाटा यूज़ करके भी तुम बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो डाटा तुम्हारा दिमाग भड़काने के लिए या तुम्हारा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए दिया, वो सब डाटा का यूज़ करके तुम बना सकते हो, लेकिन जब तुम फंडामेंटल बनाओगे तब, ठीक है, जब तुम उसका बेस्ट अप्रोच ढूंढ लोगे तो इस सवाल में कहीं पे भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं था, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार चला के देख लो, तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा यही तुम लोग उसे बार बार बोलना है, जो लोग को मैं बता चुका हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, कि तुम लोग कोई भी सवाल अगर बना लेते हो ना तो एटलीस्ट वीडियो जरूर एक बार देखो, कि वीडियो देखने से तुम्हें ये पता चले कि क्या मैंने वही किया, तुमने भी वही किया जो मैंने किया है। अगर कुछ डिफरेंट है तो सीख लो, कुछ डिफरेंट नहीं है तो वहाँ पे उस वीडियो को स्किप कर दो, मतलब उस सवाल के लिए उसको स्किप कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करके फिर अगले सवाल में देख लो कि तुम भी सेम किए और हम भी सेम किए, अगर सेम है दोनों का तो ठीक है भाई आगे चलते हैं, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो एक नया टेक्निक सीखने में तुम्हें क्या जाता है। इस सवाल को फंडामेंटल बना के देखिएगा जनाब, कितना आपको मज़ा आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का। और पिछला सवाल में अगर कोई फंडामेंटल इसे बना रहे हैं, ठीक है, जानवान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि सवाल तो जानलेवा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट में बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, बुड़बक बना लिया आप हमको, डायमीटर क्या होता है 2R, रेडियस क्या होता है R, दोनों का अंतर क्या है 10.5, यानी कि लिटरली क्या बोलना चाह रहा है, रेडियस दिए हुए हैं 10.5, हालांकि इसका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखो आगे क्या दे रखा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्क्वायर का साइड जो है रेडियस का क्या है डबल है, a/r क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 2 into 2 रेशियो टू द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी 1 into में कितना 1, ठीक है, 2 से कट गया 11 बार में, 7 दूना कितना 14, रेशियो में कितना 11, खत्म हो गया आसानी से, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो सवाल को समझो थोड़ा सा, सवाल जो होता है ना आज के डेट में 95% सवाल, मैं गारंटी देता हूँ 95% सवाल में कोई जान नहीं होता है, हम लोग बेरहम के तरह उसे इधर उधर डाइवर्ट करके कर देते हैं। अब कुछ लोग इसे क्या करेंगे, आर का मान निकल गया 2 10.5, चलो ए निकाल देते हैं, 10.5 गुने में 2 यानी कि कितना 21, फिर करेंगे वो 21 into 21, फिर रेशियो लगाएंगे 21/7 गुने में 10.5 into 10.5। अब डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, इतना सारा काट छाट करके जान को जोखिम में डालना है या फिर आगे ले जाना है, थोड़ा इजी सीखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल हम लोग का क्या है, ठीक है, आखिरी सवाल हम लोग का जो कि भी थोड़ा बेहतरीन होने वाला है। क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए बी सी इज कितना 3:4:5, ए बी और सी का जो प्राइस है वो है 3:4:5, ठीक है। After 5 years, the prices all of them increased by ₹12. सभी का प्राइस 12 से बढ़ जाता है और नया रेशियो जो बनता है वो 13, 16 और 19 बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमको नहीं दिख रहा है कि कुछ कॉमन रेशियो में बढ़ रहा है ये तीनों, ठीक है। तो इसे हम लोग या तो फंडामेंटली सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे या फिर कुछ और। क्या बोल रहा है खास सवाल में, आफ्टर 5 more years द प्राइस ऑफ सी इंक्रीज्ड बाय 10%, सी का जो है 10% से बढ़ जाता है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ सी, सी का फाइनल प्राइस क्या है ये बताने के लिए, ठीक है। देखो जब भी तुम्हारा ये तीन फंक्शन है और किसी एक फंक्शन पे तुम जाना है, ठीक है, तो तुम इसको दो दो के फॉर्मेट में भी जा सकते हो, तुम्हें मेन रूप से सी तो चाहिए ही, ठीक है। तो या तो तुम ए के साथ सी लगा दो या तो तुम बी के साथ सी लगा दो, कहीं से कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो बी के साथ चलो सी लगाते हैं, 4:5 कितना हो जाता है 5, यहाँ पे ये हो गया 16:9, कब हो गया जब दोनों में 12 12 ऐड हुआ, तो वही फंक्शन हम लोग का, पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, 16 से 19 यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 1 का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे जब हो जाएगा 4 3 12, 5 3 कितना 15, यहाँ पे ये 16, यहाँ पे क्या ये 19, तो 15 से ये जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 12 से 16 हो रहा है ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब तुम्हें क्या बोला था कि वो एक्चुअली में इंक्रीमेंट है 12 का, तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है तुम्हारी 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 के बराबर हो जाएगी। तो जब 1 यूनिट 3 के बराबर हो गई तो तुम्हें क्या बोला है सी का, और 5 साल के बाद क्या होगा, जब 5 साल के बाद वो क्या हो रहा है 10% से बढ़ जा रहा है, तो सबसे पहले सी का पहले 5 साल के बाद कितना हो गया था 19, यानी 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 19 गुने में 3, ठीक है, 19 गुने में 3 कितना होता है तुम्हारा 57 हो जाता है, यानी पहले 5 साल के बाद उसकी हो गई 57, और 5 साल के बाद क्या हो रहा है 10% से वो बढ़ जा रहा है, तो 10% से बढ़ने का मतलब क्या है 110/100, या तो तुम इसे 110/100 करो, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 0 0 क्योंकि 11 का मल्टीपल मैंने तुम्हें बताया हुआ है, या फिर यहाँ से करोगे तो ये 7 देगा, 7 5 12 2 देगा, 5 और 1 6 देगा, 62 पॉइंट में क्या हो जाएगा 70 रुपीज़ हो जाएगा, या फिर 57 में तुम्हें 10% बढ़ाना, यानी कि क्या 5.7 इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ से 0.7 57 और 5 क्या हो जाएगा 62 पॉइंट में 70, या तो तुम ये कर लो, देखो ये कितना आसान है तुम्हारा, यहाँ एक पल के लिए तुम्हें सोचने में लग सकता है लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक पल भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिटरली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी वास्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर आ गया, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए 62 पॉइंट में 70, और इसी के साथ हमारा क्वांट टेस्ट 4 भी समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, सवाल समझ में आ रहा होगा, बना रहे होगे तुम लोग सवाल, जिन लोगों तक ये सवाल नहीं पहुंच पाया था डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, वहां से तुम देख लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो और उसे बना लो पहले, और फिर आगे चलना वीडियोस में हम लोग से जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम से। तो चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि ये सब तक पहुंच सके, और फिर हम लोगों का भी मन लगा रहे या हम लोग का ही मनोबल बढ़ा रहे कि लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।